प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली बार आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सरप्लस में आ गई है, रेवेन्यू सरप्लस में। बताओ हमारे गोरखपुर के भाइयों बहनों, कितने लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। हम तो कहेंगे कि पत्रकार साथी हमें समझाओ जीरो टॉलरेंस क्या है। कोई बताए हमें कि जीरो टॉलरेंस क्या है। अरे आप भी समाज जो आ पा रहे हो तो कोई अधिकारी तो होगा ना बड़ा, वही हमें बता दे कि जीरो टॉलरेंस क्या है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना, जब इन्हें झूठ बोलना होता है, आम जनता को समझ में नहीं आए तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ हमें डीजल पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आपको कौन रोकता है कि हमारे किसानों को गन्ने की कीमत न बढ़ा दी जाए। अगर रेवेन्यू सरप्लस है हमारे किसानों के गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए और कम से कम इतनी बढ़नी चाहिए कि जितना बाजार में महंगाई है कम से कम अगर वो गन्ना चीनी मिलों के पास भेजता है तो थोड़ी बहुत उसकी गरीबी दूर हो जाए, कम से कम गन्ने की कीमत देनी चाहिए सरकार को। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो हमारे नौजवान ये खाली हाथ क्यों बैठे हुए हैं, नौकरी क्यों नहीं इनके हाथ में। मैंने विधानसभा में पूछा उनसे, उन्होंने अपना बजट पढ़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल 4% रोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। याद रखना जब अंग्रेजी में बोले तो झूठ बोल रहे होते हैं, अगर हम उसको हिंदी में करने और समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 100 में केवल 4 रोजगार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।